बारिश के मौसम के चलते कीट पतंगों के साथ ही अनवांछित पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, जिसके चलते सांप बिच्छू जैसे विषारी कीटों का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण रघुपति नगर परिसर में नाले में गंदगी बढ़ रही है। लेकिन स्थानिक नगर परिषद प्रशासन का उस ओर कतई ध्यान नहीं है, इसका स्थानिक महिलाओं ने कड़ा विरोध जाहिर किया। दरअसल वाड़ी नगर परिषद प्रभाग क्रमांक 10 अंतर्गत आने वाले रघुपति नगर संभाग में नालों के जरिए गंदा पानी बहता है, जिसके चलते बारिश के मौसम में नाले के पास के घरों में दुर्गंध, कीट पतंग, साथ ही साथ विषारी सांप बिच्छू का भी खतरा बढ़ रहा है। स्थानिक महिला ने शिकायत की है कि कई दिनों से उनके घर में स्थित कुएं में सांप निकल रहे है। हद तो तब हुई जब पानी निकालते समय बाल्टी में सांप निकल आया। बार बार नगर परिषद में शिकायत दर्ज करने के बाद भी प्रशासन ने नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसके कारण राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की कार्याध्यक्ष माधुरी बोदुले और सामाजिक कार्यकर्ता तारा घरडे के साथ मिलकर महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है, जहां महिलाओं ने तीव्र आंदोलन का इशारा भी दिया। माझं नाव तारा भीमराव घरडे, मी राष्ट्रवादी काँग्रेसची कार्यकर्ती सामाजिक कार्यकर्ती आहे। मला हे म्हणायचं आहे ना, या रघुपती नगरमध्ये 2006 पासून मी बघत आहे हा नालाचं एकदम नाल्यामध्ये कचरा आणि ते पाणी जे आहे पावसाळ्यामध्ये जे पाणी येते ते त्या घरामध्ये घुसत आहेत आणि लोकांच्या घरामध्ये साप घुसत आहे हे आज मी बघितलं आहे इथे। तर मला हे म्हणायचं आहे त्यांना की आमच्या रघुपती नगरचा जो नाला आहे त्यांचं बांधकाम करून द्यावं आणि ते गडरचे नाले गडरचं जे पाणी आहे त्यांचं पण त्यांनी नाल्या काढून द्यावं ही त्यांना मी विनंती करते। आमच्या इथून 3 अर्ज गेले आहे, अजूनपर्यंत त्यांनी त्याच्यावर काही कार्यवाही केली नाही आहे। मी जे ॲप्लिकेशन लिहिली होती आतापर्यंत 3 पोचवले आहे, 4थी आहे, हे पोचवणार आहे। तुम्ही याच्यावर कारवाई करा। समस्या येत आहे की बा नाल्यामध्ये कचरा खूप जमा होतो, मच्छर आणि साप वगैरे निघतात आणि नाल्याचं बांधकाम करावं ही माझी इच्छा आहे। मेरा नाम सुधा उमाशंकर तिवारी है। मेरे घर के सामने एक नाला है, वो नाले में इतना कचड़ा है उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है और वो नाले की साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी से मेरे घर में सांप और मच्छर का बड़ा ये है। सांप अभी भी कुएं में है, 2-3 पानी खींचते वक्त आंग के ऊपर भी आ गया और इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि ये थोड़ा नाला की सफाई हो जाए और वो थोड़ा सांप मित्रों का नंबर वंबर मिल जाता तो मैं भी उनको बुला के पकड़ा दे। हमने 300 मीटर दूर से लाइट लिए है, बरसात के मौसम में ही पानी बराबर ये नहीं हो रहा है, घर के अंदर आ जाता है, सांप घुस रहे हैं, कचड़ा पूरा एकदम सब लोग उसी में नाले में फेंक फेंक के पूरा इकट्ठा कर देते हैं, गटर का पानी छोड़ रहे हैं। नगर प्रशासन से यही मांग है कि वो साफ सफाई करवाए, हम लोगों की थोड़ी सुरक्षा हो और ये गटर पानी की जो समस्या है उसकी भी पाइप वाइप डलवाएं तो उसके लिए भी लोग थोड़ा ये हो जाएं। कैमरा पर्सन अजीत कूरे के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।